नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्य और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। तिल्दा की सहकारी समिति में किसानों की भीड़ आसानी से मिल रहा है खाद और बीज। तिल्दा की सहकारी समिति में कृषकों की भीड़ नजर आ रही है। प्रतिदिन कृषक यहां उपस्थित होकर खाद और बीज के लिए अपना पंजीयन करा रहे हैं, साथ ही कृषि ऋण भी यहां पर मिल रहा है। तिल्दा सहकारी समिति में कृषक काफी खुश हैं क्योंकि यहां पर उनको बड़ी आसानी से खाद और बीज दिया जा रहा है। यहां सभी प्रकार के खाद उपलब्ध हैं। समिति प्रबंधक भुवन साहू ने कहा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी या दिक्कतों का सामना यहां पर नहीं करना पड़ रहा है। बड़ी आसानी से खाद बीज उपलब्ध है। साथ ही कई कृषकों ने बताया कि काफी सुगमता से खाद और बीज उन्हें यहां से प्राप्त हो रहा है। यहां खाद व बीज की किल्लत नहीं है। दिलीप वर्मा की रिपोर्ट। अभी तक कि कोई किसान का खाद में तकलीफ नहीं है, बीज भी समय बराबर मिलते हैं और लगभग एक अभी ठीक तो वितरण हो चुके हैं लगभग, है ना। और अभी भी शायद सरना महामाया स्टार्ट कैसे जानकारी मिली से और खाद वाद पर्याप्त मात्रा में कोई तकलीफ नहीं। हम हैं तिल्दा के सहकारी समिति में और हमारे साथ हैं यहाँ पर यहाँ के प्रबंधक भुवन साहू जी। और जैसे कि हमने विजुअल में भी दिखाया है कि किसानों की भीड़ यहाँ पर है, खाद और बीज का वितरण किया जा रहा है। जानकारी चाहेंगे साहू जी आपसे कि किसानों को किसी तरह की तकलीफों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर। सर, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज की उपलब्धता की जा रही है। यहाँ किसी प्रकार की कोई शिकायत किसानों द्वारा नहीं प्राप्त हुई है। पूरा खाद यहाँ पे समय पे मिल रहा है। अभी वर्तमान में सभी खाद उपलब्ध है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।